आइए अब एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि सम ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म ऑफ एन एपी इज 49, यानी किसी एपी में फर्स्ट सेवन टर्म का जो सम है वो 49 है और 17 टर्म का सम जो है वो 289 है। तो हमें कैलकुलेट करके बताना है कि सम ऑफ एन टर्म्स क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ए फर्स्ट टर्म होगी और डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है इस एपी का। और हमें गिवन है कि सम ऑफ सेवन टर्म इज 9 और सम ऑफ 17 टर्म इज 289। तो एस सेवन को हम इसको हम लिख सकते हैं 7/2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस एन, एन है 7 माइनस 1 इंटू डी और ये गिवन है हमें 49। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 7/2 ब्रैकेट में होगा 2a प्लस 6d यहां पर है 49। ब्रैकेट से हम दो कॉमन ले सकते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा a प्लस 3d यहां पर है 49। और इस 7 से इस 49 को कैंसिल कर सकते हैं तो 7 मिलेगा, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं। फाइनली ये वैल्यू होगी a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। इसको मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 है। इसी तरह से हम सम ऑफ 17 टर्म्स लिख सकते हैं 17/2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n है 17 माइनस 1 d है मालूम नहीं और दिस इज इक्वल्स टू 289। यानी इसको हम लिख सकते हैं 17 इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा a प्लस 8d और अपॉन में है 2 यहां पर है 289। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं, 17 से इस 289 को कैंसिल कर सकते हैं, 17 मिलेगा। फाइनली ये जो वैल्यू है ये होगी a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 2। और अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जिससे कि हमें a और d की वैल्यू मिले। सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे कुछ इस तरह से। लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करते हैं और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो फाइनली ये होगा a प्लस 8d माइनस a माइनस 3d इक्वल्स टू 10। माइनस a से प्लस a कैंसिल कर सकते हैं, 8d में से 3d सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 5d यहां पर 10। तो d इज इक्वल्स टू होगा 2k और इस d की वैल्यू को d इक्वल्स टू को हम इक्वेशन 1 में रखेंगे जिससे कि हमें a मिल सके। इक्वेशन 1 में रखते हैं, इक्वेशन 1 है a प्लस 3d, d की वैल्यू है 2 इक्वल्स टू 7। फाइनली a मिलेगा हमें 1। और इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करके बताना है सम ऑफ n टर्म्स यानी sn बताना है। Sn होता है n/2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, a हमने कैलकुलेट किया है 1, d हमने कैलकुलेट किया है 2। ब्रैकेट की वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2 प्लस 2n माइनस 2 बाहर होगा n/2 यहां इसको कैंसिल कर सकते हैं तो ये होगा n/2 मल्टीप्लाइड बाई 2n, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा n2। तो सम ऑफ n टर्म्स आया n2। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। थैंक यू।